नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल इंग्लिश के तहत 26वें दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि अंग्रेजी में आप बहुत ही शुद्ध तरीके से कैसे लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। देखिए, यह वीडियो जो है भर टू वी के ऊपर पूरे तरह से है। और ये भर टू वी जो है दोस्तों, अब पास्ट के रूप में इसका उपयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पास्ट में कैसे कैसे भर टू वी का उपयोग किया जाता है ये देखेंगे। अब इसे आप आगे आएंगे तो समझ में आएगा कि क्या होता है वर्ब टू बी और उसका पास्ट क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आप सब्सक्राइब का बटन है दबा दीजिए, घंटी को दबाइए, तभी पता चल के वीडियो कब कब आता है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ब टू बी जो कि पास्ट के रूप में है, अभी तक मैंने प्रेजेंट पर बताया था और जैसा कि आपने देखा 25 वीडियोज़ वर्ब टू बी पर। तो वर्ब टू बी में जैसे इज, एम और आर, इसको लेकर ये वर्ब टू बी है। पास्ट की बात की जाए तो दोस्तों पास्ट में जो होता है वाज और वेयर, जिसे वर्ब बोलते हैं, तो ये इस पर बात होगा। तो यहाँ देखिए वाज और वेयर है, आपने देखा यहाँ पर। और पहले तो सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे, तो सेंटेंस जो कि चार होते हैं ये आप यहाँ देखिए। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनी चैनल इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल में टाइप कर सकते हैं, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। जहां आपको रीडिंग करना अगर नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, कोई भी छोटे छोटे वर्ड्स भी नहीं पढ़ पा रहे हैं अंग्रेजी के, तो आप बिल्कुल सीखेंगे। अब हमारे पिछले वीडियो को देखिए डे वन से। और लिखने नहीं आ रहा तो भी वीडियोज़ हैं, और बोले नहीं आ रहा तो भी आप बहुत अच्छी तरह से सरल सीख जाएंगे। लेकिन जैसा मैं बताता हूँ वैसे ही करते चलना होगा आपको दोस्तों। सब कुछ विथ इजी स्टेप, ग्रामर के बुक्स की आवश्यकता नहीं, ना ही डिक्शनरी की आवश्यकता है। इन सब का झंझट छोड़िए, आपको बस एक कॉपी लेना है A4 साइज की। एक कॉपी अगर आप तैयार करते हैं तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे, अन्यथा आप इंग्लिश सिर्फ थोड़े दिन के लिए सीखेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो चलिए अंग्रेजी लिखना बोलना कैसे सीखें ये देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेंटेंस जो कि वॉज वेयर वाला है, ठीक है, वॉज और वर वाला, तो ये इसको लेकर चार तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर एक ही फॉर्मेट के जैसे रहेंगे हर एक वीडियोज़ में। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट का कोई चेंजेस नहीं रहेगा, तो देखेंगे आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो पहले तो मैं बात करूँगा अफर्मेटिव पर, जो कि ये यह वीडियो है अफर्मेटिव के लिए ही है। उसके बाद नेगेटिव पर, अफर्मेटिव में क्या वो सिंपल सिंपल रहता है वो देखेंगे। नेगेटिव में जो है नॉट लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव में जो है पहले ही एक्सिलरी वर्ब आता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में पहले ग्लोरी भर फिर जो है नॉट आ जाता है। फिर जो है डब्ल्यू एच क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन ये जो है आप चार वीडियोस के बाद देखेंगे, और ये टोटल दोस्तों डब्ल्यू एच क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ 16 वीडियोस हो गए, ठीक है। तो 16 चार 20 वीडियोस के आसपास आप देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कैसे होता है। हर एक वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी पे लिखते चलिएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद, और बोलेंगे हमारे साथ तभी बोलने आएगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुनकर और देखकर ही सब कुछ सीख पाएंगे। देखिए मेहनत आपको करना है, खासकर महिलाओं लड़कियों के बारे में मैं बता रहा हूँ कि अगर वो सीखना चाहती हैं तो बिल्कुल भी फ्री है ये सब चीज़। मैंने भी सीखा था तो कहीं ना कहीं पे करके सीखा था, लेकिन आपको ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है। कॉपी ज़रूर लीजिए, कॉपी बनाइए, कॉपी बनाएंगे तभी सब कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अफर्मेटिव पे बारे में मैंने बताया कि पहला वर्ड जो होगा अफर्मेटिव के ऊपर सेंटेंस जो रहेगा, ये वीडियोज है अफर्मेटिव के ऊपर है। तो ये जो अफर्मेटिव है जिसे इसका स्पेलिंग आपको याद करना होगा, क्योंकि जब भी आप लिखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, तो स्पेलिंग याद रखिएगा अफर्मेटिव, है ना। और ये इस तरह से तीन मतलब का याद हो सकता है अफर में टिव, इसे हिंदी में स्वीकारात्मक बोलते हैं, ये भी याद रखना होगा। तो चलिए आप देखिए दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए जो है आप क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सब मैं ये तरीका बताऊंगा कि इंग्लिश सीखने के लिए जो भी स्टेप लेने होंगे आपको वो सब मैं बताऊंगा। तो इंग्लिश सीखने का आसान तरीका आप यहाँ देखेंगे कि कितना आसान। अब देखिए एशियल नंबर क्या होता है, तो एशियल नंबर का होता है सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन हिंदी में अगर बात की जाए तो आप अगर हिंदी ज़्यादा समझते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश सीखने वाले हम लोग। और प्लूरल मीन्स प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन, यानी कि यहाँ पर कई मतलब कई चीज़ के बारे में बात होगा, जहाँ यहाँ एक चीज़ के बारे में बात होगा यहाँ बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात होगा। अब देखिए तीन तरह के पर्सन होते हैं,
है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में जो है आई होता है, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में जो है ही आई, यानी फर्स्ट पर्सन ये दोनों है, आई और वी है। और सेकंड पर्सन जो है दोस्तों, सेकंड पर्सन यू होता है, यू, और इसका भी प्लूरल यू ही होता है। तो अंतर नहीं होता, लेकिन हिंदी में जब हिंदी में कुछ समझने का प्रयास करते तो अंतर समझ में आने लगता है। ठीक है, इसे यहाँ पर तुम है, यहाँ पर तुम लोग हैं। अब एक तरह से पूरी बात को समझिए कि आई, वी, यू और यू, ये जो चार को छोड़ दिया जाए तो जितने भी सारे सब्जेक्ट होंगे वो सब, दुनिया के जितने भी सारे सब्जेक्ट होंगे वो सब थर्ड पर्सन में कहे जा देंगे। तो यहाँ से अब थर्ड पर्सन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ, आप एक ही कॉपी में चूँकि लिखेंगे अपनी तरफ से भी बहुत सारे थर्ड पर्सन आप जोड़ सकेंगे। तो चलिए अब देखिए क्या है थर्ड पर्सन। तो दोस्तों थर्ड पर्सन जो कि यहाँ से देखिए ही है, ही जो लड़कों पुरुषों के लिए, पुरुष के लिए, लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है। तो कभी भी लड़का लड़का या कोई आदमी हो तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे, या बुजुर्ग हो तो भी ही का प्रयोग करेंगे। तो ही वॉच, ठीक है। तो देखिए पढ़िए यहाँ से, आई वॉच, मैं था, वी वर, हम लोग थे, यू वर, तुम थे, आप थे, तुम थे और आप थे भी, ठीक है। आप वी यू का मतलब आप भी होता है, हम लोग इज्जत देते हैं थोड़ा सा हिंदी में। तो आप, तुम थे, आप थे, और यू वर मीन तुम लोग थे, आप लोग थे। ही वॉच, वह था। अब ही का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। ही वर, वे लोग थे, है ना। अब ही के बाद देखिए हम सीक्वेंस में याद कीजिएगा, मैंने शुरू वाले वीडियोस में बताया था, जो कि आप अगर देखेंगे पहला वीडियोस हमारा, तो पहला वीडियोस का सेकंड वीडियोस है, उसमें सब्जेक्ट चार्ट दिया था, उसी सब्जेक्ट चार्ट को सीरीज में याद करिएगा तो बस जो है भर का खेल रहेगा। तो सी वॉच, वह थी स्त्री, महिलाओं, लड़कियों के लिए, सी का इस्तेमाल होता है, उसी प्लूरल में दे, यानी कि लड़का हो लड़की हो, बहुत सारे बहुवचन है, दे ही इस्तेमाल होते हैं। तो दे वर, वे लोग थी। उसके बाद दोस्तों देखिए इट वॉच, ये इट का प्रयोग कहाँ होता है, इट का प्रयोग होता है दोस्तों मौसम, मौसम के बारे में बताने पर, ठीक है, या समय बताने पर, यानी समय बताने के लिए। उसके बाद जो निर्जीव प्राणी के लिए, प्राणी के सेंस में, प्राणी प्राणी यानी कि जैसे प्राणी समझ सकते जिसमें जीवन है, लेकिन आदमी की वगैरह नहीं, लड़के लड़के महिलाएं नहीं, और उसके निर्जीव चीज़ के लिए, ठीक है, निर्जीव। तो निर्जीव वस्तुओं के लिए, यानी बस निर्जीव वस्तुओं के लिए, इसके लिए जो है वो इट का प्रयोग करते हैं। और इट का प्रयोग दे हो जाता है यहाँ भी, तो इट वॉच, यह था, देवर, विलुप्त। तो छोटे छोटे वाक्य का अगर प्रयोग करते हैं तो आप किसी भी तरह का, जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह के वाक्य लिख सकते हैं, और बड़े बड़े, और किसी भी तरह से बोल सकते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए, हमारा बेसिक चीज़ यही है, और इसी के ऊपर सारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर सेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट है दिस वॉच। देखिए दिस वॉच यानी कि दिस मीन्स यह होता है, और दिस का मतलब इस भी होता है। जैसा जगह रहेगा या जैसा बोलने में आएगा वैसा यूज करेंगे, इस भी और यह भी। ये दिस का इस्तेमाल नज़दीक के लिए, जो बहुत नज़दीक होता है, कुछ चीज़ रखा होता है, जब नज़दीक के बारे में बोलना होता है कुछ चीज़, यह को लेकर, तो दिस का इस्तेमाल करेंगे। और दिस का प्रयोग होता है दीज, याद रखिएगा दीज, दीज मीन्स होते ये सब, है ना, या इन सब, और वर लगेगा। तो दिस वॉच, यह था, दिस, दीज वर, ये सब थे। उसके बाद दैट, दैट का प्रयोग बहुत दूर की चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है, यानी कि दैट वॉच, वह था, और इसी का दैट का प्रयोग होगा दोज, वे सब थे, दैट दोज वर, वे सब थे। उसके बाद दिस बॉय, अब जब बॉय है तो दिस का लग गया, यानी कि लड़का जो है नज़दीक में है, और दिस जब लग गया तो लड़के जो है नज़दीक में, दिस, दिस का बॉय, दिस का प्लूरल दिस, बॉय का बॉय, दिस बॉयज वर, हिंदी क्या हो जाएगा, यह लड़का था, ये सब लड़के थे। नेक्स्ट है दिस मैन वॉच, दिस मॉय, दिस बॉय है तो मैन भी लगा लीजिए, दिस मैन, मैन का प्लूरल मेन हो जाएगा, वर हो जाएगा, दिस मैन वॉच, दिस, दिस मैन वर, यह आदमी था, ये सब आदमी लोग थे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट गर्ल वॉज, दोज गर्ल्स वर, वह लड़की थी, वे सब लड़कियां थी। दैट डॉग वॉज, दोज डॉग्स, दैट का दोज होगा, दोज डॉग्स वर, वह कुत्ता था, वे सब कुत्ते थे। आप देखिए सब्जेक्ट, आप अधिक से अधिक सब्जेक्ट के बारे में सोचिए, यानी कर्ता के बारे में। सब्जेक्ट क्या है आपको तो पता ही होगा, जिसके बारे में बोला जाता है वो सब्जेक्ट हो। जैसे यहाँ पर डॉग है तो दैट डॉग हो गया, गर्ल है दैट गर्ल हो गया, तो ये सब क्या है। यहाँ पर दोज गर्ल्स हो गया, तो आप सीधा डॉग्स भी लिख सकते थे वो भी, जैसे माई फादर, ये सब्जेक्ट हो गए। तो तरह तरह के सब्जेक्ट वो जो आपके अनुसार होंगे, बाकी जो है वर्ब का खेल वैसे ही होगा। तो माई फादर वॉज, आवर फादर्स वर, मेरे पिताजी था, यानी हमारे, ठीक है, मेरे पिताजी थे, हमारे पिताजी लोग थे। योर ब्रदर वॉज, योर ब्रदर्स वर, तुम्हारा भाई था, तुम्हारे भाई लोग थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिज अंकल वॉज, देयर अंकल्स वर, उसका चाचा था, वे लोग के चाचा लोग थे। हिज सिस्टर वॉज, हिज का प्रोर, देखिए हिज का बहुवचन देयर होता है, याद रखिएगा। सिस्टर का सिस्टर्स हो गया, वर लग गया, हिज सिस्टर वॉज का देयर सिस्टर्स वर, और हिंदी जगह उसकी बहन थी, वे सबकी बहनें थी। फिर द हाउस, देखिए ध्यान दीजिएगा, द हाउस ऑफ दिस मैन, ऑफ दिस मैन वॉज, द हाउस, यहाँ पर एस लगा लीजिए, हाउसेस, द हाउसेस ऑफ दिस मैन, इसका प्लूरल हो गया, इसका प्लूरल हो गया, इसका प्लूरल बन गया, और वॉज का भी प्लूरल बन गया, तो सभी तो प्लूरल में ही रहेंगे सेंटेंस। हिंदी जगह इस, दिस का हो गया इस मैन का आदमी, और हाउस का मकान, इस आदमी का मकान था, ये सब आदमी लोग के मकाने थे। माय पेंस वॉच, आवर पेंस वर, मेरा कलम था, हमारे कलमे थे। नेक्स्ट है शिव वॉच, नाम देखिए किसी का भी ले सकते हैं, और जाहिर सी बात है किसी का भी नाम हो सकता है, रखिए अपना नाम उस तरह से वॉच का वेयर का प्रयोग कीजिए। तो अगर नाम का बहुवचन बनाना है तो एस नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, एम बड़ा और अब्लिक एस छोटा कर देंगे, यानी कि नाम हो गया बहुवचन में, यानी प्लूरल में हो गया। शिव वॉज, मिसेस शिव वर, शिव था, शिवलोक थे। सीता वॉज, मिसेस सीता वर, सीता थी, सीता लोग थे। राम सिस्टर वॉज, मिसेस राम सिस्टर्स वर, राम की बहन थी, राम लोग की बहनें थी। श्याम्स ब्रदर वॉज, मिसेस श्याम्स ब्रदर्स वर, श्याम का भाई था, श्याम सबके भाई लोग थे। तो दोस्तों देखिए आज के जमाने में अगर आप ट्विटर पर हैं, जी तो ट्विटर पर है ना, या फेसबुक पर है, ठीक है, या कहें व्हाट्सएप पर है, तो क्या आपको लगता है कि क्या इंग्लिश के बिना आपका कुछ होने वाला है क्या? नहीं, आप चाहेंगे कि इंग्लिश में ही ट्वीट करें, इंग्लिश में ही कमेंट करें, है ना, या मैसेज भेजें। तो इसलिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, छोटे छोटे जो है माइक्रो ब्लॉगिंग टाइप के सेंटेंसेस रहेंगे तो और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। साथ में एप्लीकेशन लिखना हो या किसी को मेल करना हो तो भी चाहिए, इंग्लिश का ही ज़रूरत है। एक आध लाइन भी अगर कहीं आप बोलते हैं तो प्रभाव कितना बनता है आपके, आपको लेकर लोग के दिमाग में जो है अच्छी अच्छी बातें आती हैं, तो ये सब बात को ध्यान रखते हैं, रखना होगा इंग्लिश के प्रति क्या बेनिफिट्स है। अब देखिए हु वॉच, हु वर, देखिए हु का प्रयोग तो ज़्यादातर कौन के लिए होता है, लेकिन जब अफर्मेटिव और नेगेटिव में हु जो है जो के रूप में रहता है तो क्या होगा, जो, हु मीन्स जो हो रहा है, तो जो था, जो सब थे, हु वर। विच वॉच, विच वर, जो था, जो सब थे। द बॉय हु वॉच, द बॉयज हु वर, जो लड़का था, जो सब लड़के थे। द मैन हु वॉच, द मैन हु वर, द मैन हु वॉच, द मैन हु वर, जो आदमी था, जो सब लड़के थे। अब ये हुआ, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। द गर्ल्स हु, ऐसे लिख याद किए, द गर्ल्स हु वॉच, द गर्ल हु वॉच, द गर्ल्स हु वर,
एक सब्जेक्ट है जो लड़की थी, बोलते हैं ना जो लड़की थी, जो सब लड़कियां थी, द काउ विच, विच का प्रयोग जो ज़्यादातर दोस्तों ऐसे ही होता है, समझे ना, और ऐसे ही बोलते हैं, विच कार्स भी बोलते हैं। तो खैर अब यहाँ ये देखिए, द काउ विच, द काउज विच आर, जो गाय थी, जो सब गायें थी, द बुक विच वॉज, द बुक्स विच वर, जो किताब था, जो सब किताबें थे, द मोबाइल विच वॉज, द मोबाइल्स विच वर, द मोबाइल्स विच वर, इसका मतलब है जो मोबाइल था, जो सब मोबाइलें थे, द ओल्ड ब्लाइंड मैन वॉच, ये सब्जेक्ट है हमारा, लंबा भी करके देखना होगा ताकि आप अच्छे अच्छे लंबे लंबे सब्जेक्ट के साथ काम कर सकें, भूल सके लिख सके। द ओल्ड ब्लाइंड मैन का हो गया, यहाँ पर मेन, यहाँ वॉच का वर हो गया, जो बूढ़ा अंधा आदमी था, जो बूढ़े अंधे आदमी लोग थे, हिज हार्ट प्रॉब्लम वॉच, हिज का हो गया देयर हार्ट प्रॉब्लम्स वर, उसका कठिन समस्या था। अब यहाँ पर हो जाएगा वे सबके, ठीक है, वे सबके कठिन समस्याएं थे, हिज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इको का मतलब हो जाएगा दोस्तों इकोनॉमिक, ठीक है, ये पूरा इस तरह से होता है इकोनॉमिक, आप कॉपी पे इस तरह से लिखेंगे इकोनॉमिक, देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वर, तो क्या हो जाएगा, उसका कठिन आर्थिक समस्या था, देर लग गया तो वेस्ट हो गया, वेस्ट सब की कठिन आर्थिक समस्याएं प्रॉब्लम्स हो गया ना, थे, द मैन ऑफ दिस हाउस वॉज, द मैन ऑफ दीज हाउसेस वर, इस मकान का आदमी था, दिस का मतलब क्या होता है, इस होता है, यह भी होता है, और मकान मीन्स हाउस, इस मकान का आदमी था, ये सब मकानों के आदमी लोग थे, द हाउस ऑफ दिस हाउस वॉज, द हॉर्सेस ऑफ दीज हाउसेस वर, ये इस मकान का घोड़ा था, ये सब मकानों के घोड़े थे। दोस्तों इस तरह से जो है आप सब तरह के जो है सेंटेंस लिख सकते हैं। अब चलिए मैं फिर से आपको बताता हूँ कैसे तेजी में पढ़ना है ताकि आप अच्छे से बोलना सीख सकें, क्योंकि जब भी बोलेंगे तभी आप सीखेंगे। तो एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए शुरू से, जैसे देखिए, आई वॉज, वी वर, यू वर, यू वर, ही वॉज, दे वर, सी वॉज, दे वर, ऐसे ही बोलना है ताकि आपकी जबान पे चढ़ जाए और जब भी आप बोलना चाहे तो इस तरह से बोल सके। जैसे इट वॉज, दे वर, दिस वॉज, दीज वर, दैट वॉज, दोज वर, दिस बॉय वॉज, दीज बॉयज वर, दिस मैन वॉज, दीज मैन वर, दैट गर्ल वॉज, दोज गर्ल्स वर, दैट डॉग वॉज, those dogs were, the my father was, our fathers were, your brother was, your brothers were, his uncle was, their uncles were, his sister was, their sister were, the house of this man was, the house of these men were, my parents was, our parents were, Shiv was, Mr. Shiv were, Sita was, Mr. Sita was, Ram's sister was, Mr. Ram's sister were, Shyam's brother was, Mr. Shyam's brothers was, who was, who were, which were, the boy who was, the boys who were, the man who was, the men who were, the girl who was, the girls who were, the cow which was, the cows which were, the book which was, the books which were, the mobile which was, the mobiles which were, the old blind man was, the old blind man were, his hard problem was, their hard problems was, his hard economic problem was, their hard economics problem were, the man of this house was, the man of these houses were, the horse of this man house was, the horses of these man, these houses, the horses of these houses were। दोस्तों इस तरह से अगर रोज़ बोलते हैं तो वाकई में सब कुछ आ जाएगा और बोलने भी। और देखिए दोस्तों अगर बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना भूले नहीं दोस्तों।
साथ ही हमारे प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है और चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका ये भी है और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। तो इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।